हाँ जी, तो बेसिस के बारे में अब हम जो है अपने इस जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एसिड्स को आपने स्टडी किया, बेसिस क्या है, बेसिस क्या सब्सटेंसेस हैं। अगर हम जनरली कहा तो दे आर बिटर इन टेस्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आरहेनियस थ्योरी कि जब हम किसी सब्सटेंस को किसमें डिसॉल्व करते हैं, किसी सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया वाटर में, मतलब एक्वस फॉर्म में लाएंगे, तो अगर वो एक्वस फॉर्म में हमें हाइड्रोक्सिल आयन, दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल आयन, देन दे विल बी कॉल्ड द बेसिस। सो एनी सब्सटेंस विच gives hydroxyl ion in their aqueous solutions that are called the bases. Let us take the example. We are having sodium hydroxide. When it is dissolved in water, it will give sodium ions as well as hydroxyl ion. Similarly, KOH, which is a potassium hydroxide, it when dissolved in water, this aqueous word indicate that it is dissolved in water, it will give potassium ions as well as हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे हमारे पास और बहुत सारे हैं, मोस्टली जो हमारे मेटेलिक जो हैं ऑक्साइड्स होते हैं वो भी जो है क्या होते हैं, दे ऑल आर द एक्ट एज ए बेसिस बिकॉज इन द वाटर दे विल गिव द हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव अस zinc hydroxide and hydrogen gas is evolved. So this is a base, zinc hydroxide. Similarly, calcium hydroxide, copper hydroxide, aluminium hydroxide, we get a lot of bases which when dissolved in water they will give us the OH ions. अब इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड एक बेस है। कैसे बेस है, जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, HCl एसिड ले लिया, तो ये हमें क्या देता है, एक्चुअली क्या आपके पास कॉपर क्लोराइड सॉल्ट देगा और वाटर देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आइदर मेटेलिक ऑक्साइड्स हों या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स हों, जब वो एसिड के साथ कंबाइन करके हमें सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दे विल बी द बेसिस। सो सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर, एंड सच रिएक्शन बिटवीन द बेसिस एंड एसिड दिस इज ऑल्सो गिवन द स्पेशल नेम that is neutralization reaction। यह आपने जो है पहले first chapter में chemical reactions में study किया था कि neutralization reaction क्या होती है, कि जब एक acid और एक base आपस में combine करते हैं तो salt और water देते हैं, that are called neutralization reactions। Down we will discuss about the special kind of bases। कि हमारे पास इतने सारे bases हमने पढ़े, जैसे sodium hydroxide है, potassium hydroxide है, calcium hydroxide है, ऐसे ही आपके पास copper hydroxide है। तो आपने देखा होगा कि कुछ hydroxide हमारे जो हैं, ये जो हैं bases जो हैं, वो completely जो है water में dissolve हो जाते हैं। So those bases which are water soluble they will be termed as alkali। तो जो water में completely dissolve हो जाए उनको हम alkalis कहते हैं, जैसे sodium hydroxide है, potassium hydroxide है, calcium hydroxide है, और all those जो सभी के सभी जो alkalis जो होते हैं वो तो bases होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी bases जो हैं वो क्या होंगे, alkali। example के लिए iron hydroxide ले लीजिए, copper hydroxide ले लीजिए, तो ये हमारे ऐसे bases हैं, they does do not
dissolve completely in to water. So these will be called the, will not be called the alkalis, rather they are only bases. So all the alkalis are bases, but the bases are not alkalis. Is it clear to you? अब हम जो है बेसिस की क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट बेसिस पे, कि बेसिस हमारे जो हैं कितने काइंड्स के होते हैं. लेट अस सी, वी आर हैविंग द फ्यू बेसिस.